ये काम किसी नॉर्मल पुलिस अफसर के बस की बात है ही नहीं। We have to get this stop. इसके लिए हमें स्पेशलिस्ट चाहिए। करेगा कॉल? टाइगर, भरोसा भी है, हिम्मत भी और ताकत। क्या सलमान अब करेंगे टाइगर 3 को दमदार अंदाज में स्टार्ट? और ऐसा क्या हुआ था टाइगर 3 के सेट पर जिसकी वजह से सलमान को हुआ था काफी बड़ा नुकसान? हेलो एंड वेलकम टू बॉलीग्राफ स्टूडियोज, मेरे यानी श्रुति के साथ। तो अगर हम बात करें टाइगर 3 की, तो इस मूवी का इंतजार सलमान खान के फैंस ने जाने कितने सालों से किया है, क्योंकि इसके लास्ट पार्ट में यानी टाइगर जिंदा है में इस मूवी को लेकर हिंट्स दे दिए गए थे इसके पोस्ट क्रेडिट सीन में, और इसी वजह से फैंस का एक्साइटमेंट तब से कुछ ज्यादा ही बढ़ गया था इस मूवी को लेकर। अगर हम लोग बात करें टाइगर सीरीज की अब तक की स्टोरी लाइन की, टाइगर एक अंडरकवर स्पाई है इंडियन रॉ डिफेंस एजेंसी यानी कि रॉ की, और उसे काफी सारे कंट्रीज में भेजा जाता है कुछ मिशन के लिए। और ऐसा ही कुछ उसे एक दिन लंदन भेजा गया एक न्यूक्लियर साइंटिस्ट के ऊपर नजर रखने के लिए, पर उसकी मुलाकात वहां पर कैटरीना कैफ से हो जाती है और फिर दोनों में प्यार हो जाता है। पर टाइगर को पता चल जाता है कि कैटरीना भी एक आईएसआई एजेंट है और उसे भी यहां पर इसी वजह से भेजा गया है, और फिर उसके बाद हमें रॉ वर्सेस आईएसआई की लड़ाई देखने को मिलती है, और इसी तरह कुछ पहला पार्ट खत्म हो जाता है। फिर इसके सेकंड पार्ट में हमें आईएसआई और रॉ दोनों को पहली बार एक साथ काम करते हुए देखने को मिलता है अगेंस्ट आईएसआईएस जैसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के लिए, और फिर लास्ट में उन्हें सफलता भी मिलती है और इसी तरह की स्टोरी फिर से स्टार्ट होगी, ऐसा कहना है मूवी के डायरेक्टर यानी अली अब्बास जफर का। लेकिन जैसा कि हमने आपको अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि टाइगर 3 के डायरेक्टर में बदलाव किए गए हैं। पहले शायद इस फिल्म को अली अब्बास जफर पेन डाउन करके डायरेक्ट करने वाले थे, अब इस फिल्म को बैंड बाजा बारात की मशहूर डायरेक्टर मनीषा शर्मा फिल्म के ही प्रोड्यूसर आदित्य चोपड़ा के साथ लिख रहे हैं और इसका डायरेक्शन भी करेंगे, जिसके बाद फिल्म में इमरान हाशमी का नया किरदार लाया जा रहा है जो आईएसआई एजेंट होगा और सलमान के खिलाफ खड़ा नजर आएगा। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि इस बार मिशन किस चीज पर बेस्ड होगा और कैसे टाइगर की जीत होगी इमरान के ऑपोजिट। तो अब हम बात करते हैं कि कब स्टार्ट हो सकती है टाइगर 3 की शूटिंग। तो इसकी डेट अभी कुछ फाइनल नहीं हुई है, पर अब लॉकडाउन खोलने के बाद महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने मूवी की शूटिंग को मंजूरी दे दी है, और इसी वजह से सलमान खान भी जल्द ही टाइगर 3 की शूटिंग को स्टार्ट करने वाले हैं। वैसे ऐसा क्या हुआ था टाइगर 3 के सेट पर जो सलमान को उठाना पड़ा था काफी बड़ा नुकसान? तो दोस्तों बात कुछ ऐसी है कि लास्ट ईयर एम्फन जैसे साइक्लोन की वजह से टाइगर 3 के 120 करोड़ का सेट तबाह हो गया था, और इसी वजह से सलमान खान को काफी बड़ा नुकसान उठाना पड़ा था। टाइगर 3 की शूटिंग में भी काफी डिले हुआ था। तो देखते हैं दोबारा से टाइगर की शूटिंग शुरुआत किस एनर्जी से होती है, वहीं आप इस मूवी के लिए कितने एक्साइटेड हैं हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, और हम फिर मिलेंगे जल्द ही एक नई और फ्रेश वीडियो के साथ। तब तक आप देखते रहिए बॉलीवुड स्टूडियो।